आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू हुई है और दोपहर 12:15 तक परीक्षा चलेगी। 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में 2,93,425 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 2,89,808 परीक्षार्थी रेगुलर जबकि 3,617 परीक्षार्थी प्राइवेट तौर पर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 6,743 केंद्रों को स्थापित किया गया है। इन अलग अलग केंद्रों में छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू है और हम छात्रों से भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, काफी समय बाद ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, सब ठीक है। इस बार सिविल ड्रेस को लेकर के भी कहा गया था कि सिविल ड्रेस में ही परीक्षा दिला सकते हैं, उसे क्या कहना चाहिए? उससे बढ़िया है, पैसा बच रहा है अपना। आज कौन से विषय की परीक्षा है? हिंदी जी। और भी छात्र हैं, आपको क्या कहना है? थोड़ा मन में थोड़ा भय है, कैसा होगा पेपर करके, थोड़ा डर है। डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा डर है। जैसे कि छात्र कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा डर जरूर लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय बाद ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही है। कोरोना काल में जो है ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाती थी और बोर्ड की अगर हम बात करें तो छात्र प्रश्न पत्र के साथ ही यहां पर जो है उत्तर पुस्तिकाएं जमा करते थे और 5 दिन का उन्हें समय दिया जाता था, लेकिन अभी अलग तरह की व्यवस्था जो देखी जा रही है क्योंकि कोरोना काल के बाद परीक्षाएं आयोजित की गई है। देखिए, यहां पर सैनिटाइजर भी रखा गया है, छात्रों ने मास्क भी लगाया हुआ है, स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद है। सर, किस तरीके से व्यवस्था है यहाँ पर क्योंकि 12वीं का एग्जाम काफ़ी समय बाद ऑफलाइन हो रहा है? गेट पर हम लोग डिस्प्ले बोर्ड से बच्चे रोल नंबर का पता लगा रहे हैं और रोल नंबर रूम से हम गेट पर ही उनके मोबाइल जो भी नकल सामग्री चेक कर रहे हैं, रूम में भी चेक करने बोल रहे हैं और बच्चों को सैनिटाइज कर रहे हैं। सभी बच्चे मास्क लगाकर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए परीक्षा दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।